ये एसके एंटरप्राइज का ऑल इन वन मशीन है, स्मॉल ग्लास स्लाइडिंग के साथ, यानी ग्लास का एज पॉलिश, पेंसिल एज, बेवलिंग सब हाथ से आप कर सकते हो एक्यूरेसी के साथ। अभी हमने आपको ये 6 mm का ग्लास लगाया है जिसमें डार्क पॉलिश के स्पेशल व्हील लगे, जो 3 mm से लेके 12 mm के सारे ग्लास का डार्क पॉलिश करने के लिए यूज होगा। यहाँ एक मोटर है सिंगल फेज की, पानी के साथ काम होता है, और इसमें आप व्हील चेंज नहीं करना है, आपको सिर्फ मोटर ऊपर नीचे करके आप 3 mm से 12 mm के ग्लास का एजिंग, यानी कि सीधा ग्राइंडिंग, दोनों ओर का चैम्पर और पॉलिश सारा एक ही मशीन पे, एक ही मोटर पे कर सकते हैं। व्हील चेंज करके आप पेंसिल एज भी कर सकते हैं, हाफ राउंड फुल राउंड, और व्हील चेंज करके और डिग्री में डाल के बेवलिंग कर सकते हैं। यू कैन सी दैट दिस इज द एसके एंटरप्राइज ऑल इन वन स्मॉल ग्लास मशीन विदाउट चेंजिंग द व्हील, फिक्सिंग 3 wheels ऑन अ मशीन। नाउ यू कैन सी वी मेक 6 mm ग्लास एजिंग विथ आवर स्पेशल मशीन। आप देख रहे हो कि ये हमारे एसके एंटरप्राइज का जो 3 wheel है एक ही मोटर पे, ये चारों दार 6 mm के हमने एज किया। अब आप देख सकते हो कि यहाँ 3 wheel लगे रहे, ये फर्स्ट वाला है वो फ्लैट व्हील, उसके बाद चैम्पर दोनों ओर वी करने वाला और नीचे पॉलिश हुआ। तो सैंपल बना के एक टेस्ट करके सारे काम किए जाते हैं। ये 3 mm से लेके 12 mm के ग्लास में सेट होता है। अब हम इसका सेटिंग करके चैम्पर मार के दिखाएंगे, ये मोटर ऊपर लेके सेट किया जाता है। ये सेकंड व्हील लगाकर चैम्पर दोनों ओर लग रहा है, 6 mm ग्लास, इसी तरह से एज घुमा के आप चारों एज करो। ये मिनी एजर है लेकिन सेमी ऑटोमेटिक मशीन की तरह वर्क करता है, स्ट्रेट लाइन में सारा काम करता है। यहाँ ये स्लाइडिंग ग्लास होता है उससे आपका काम परफेक्ट होता है। तो ये बेवलिंग, एजिंग, हाफ राउंड, सी पॉलिश सारा काम एक ही मशीन पे होता है, और फिक्सर लगाने पर ये ट्रायंगल बल्क प्रोडक्शन, मिरर का क्रिस्टल वर्क, ये सारा काम इसी पे आप कर सकते हो। LED ग्लास यानी बल्क प्रोडक्शन में करने के लिए ये मशीन दिया गया है। ये आप पहले कहीं देखा नहीं होगा, इस तरह का एक्यूरेसी के साथ ग्लास स्लाइडिंग के साथ ये काम करता है। बॉल या रोलर कहीं नहीं है, ये पूरा CNC रेल पर पूरा वर्क करता है। व्हील चेंज नहीं करना है, व्हील अप एंड डाउन करना है। एक ही शाफ्ट पे 3 wheel लगे, यू कैन सी ऑल 3 wheels ऑन द सेम शाफ्ट, इट अवेलेबल इन एक सिंगल एंड 3 phase मोटर। यू कैन सी देयर इज द एज कंप्लीट विथ चैम्परिंग। नाउ वी विल टच द थर्ड पॉलिश व्हील विथ टेकिंग मोटर अप। सो अभी हम ये तीसरा व्हील जो पॉलिश का है उसको अप लेके आप पॉलिश का काम करेंगे। मिरर पॉलिश नहीं आएगी लेकिन मोटा मोटी पॉलिश आएगी, क्योंकि ये पानी से काम करता है, पानी से ही वर्क हो रहा है। तो इस तरह से तीनों व्हील 3 से 12 mm के लिए व्हील चेंज खाली पॉलिश का करना होगा, बाकी ऊपर के दोनों डायमंड व्हील सेम रहेंगे। जितने ग्लास है पहले 2 wheels से कर लो, फिर बाद में इससे ले लो, एक एक व्हील अप एंड डाउन करके सारा काम करो। इफ देयर इज 12 glass 10 glass, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अप्लाई फर्स्ट व्हील, देन सेकंड व्हील एंड देन थर्ड व्हील। नॉट एवरी टाइम यू हैव टू टेक अप एंड डाउन। नाउ यू कैन सी वी स्टार्ट पॉलिश विथ थर्ड व्हील विदाउट चेंजिंग व्हील, ओनली अप एंड डाउन। आप देख रहे हैं कि ये तीसरा व्हील हम
मोटर को अप डाउन करके कर रहे हैं, व्हील चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक ही मोटर पे तीन व्हील है। ये फिक्सर लगे हैं ताकि ग्लास हिलता नहीं है, और सामने की ओर रोलर लगाए तो ग्लास को सीधा ले जाता है। देख सकते हैं पॉलिश का काम भी हो गया। इसी तरह व्हील चेंज करोगे पेंसिल का हाफ राउंड जो भी एमएम है वो हिसाब से पॉलिश करेगा। अब हम आपको फिक्सर के साथ ट्राइंगल या शेप ग्लास का जो क्रिस्टल वर्क है उसका काम बताएंगे, और बेवलिंग का भी इसी में बताएंगे। तो पहले इसी ग्लास पर बेवलिंग करके दिखाएंगे 6 mm पे, फिर बाद क्रिस्टल और वो चेंजिंग 3 wheels वी फिक्स बेवलिंग कप व्हील टू मेक बेवलिंग। नाउ फिक्सिंग द व्हील कप व्हील वी मस्ट टेक मशीन इन द डिग्री सो एज पर रिक्वायर एंड मेक अ सैम्पल विथ अ रिक्वायर्ड बेवल देन स्टार्ट प्रोडक्शन। So in this machine, there is a facility for all-in-one things, for aging, sea polish, beveling, all the things you can do with sea. You can see now we start the beveling off on 6 mm glass. This is the all-in-one machine. You can see the fixed cup wheel in the same motor and hold the glass as per 90 degree and as per your requirement or as per your mood you can fix the glass on the sliding plate. आप ये स्लाइडिंग प्लेट पर 6 mm का जो ग्लास का दार पॉलिश किया उसी का बेवलिंग 10 mm का हम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये कप फिल से बेवरिंग हो रहा है, ये सीधा 10 mm का बेवरिंग हो रहा। अब दूसरी धार चौथी धार ऐसे किया जाता है, बाद में दूसरा व्हील जो ये रफ व्हील है ऐसा ही फाइन व्हील लगाया जाता है और रेजिन व्हील से स्मूथनेस पॉलिश जो कहते हैं वैसा, लेकिन पाउडर के साथ जो पॉलिश होता है वो इसमें नहीं होगा, वो आपको बाहर करना होगा। विथ पाउडर फाइन पॉलिश मिरर पॉलिश यू हैव टू डू विथ बफिंग और बेल्ट मशीन आउटसाइड द अदर मशीन नॉट ओनली दिस मशीन बिकॉज वी आर यूजिंग वाटर ओनली, वी कैन नॉट एड पाउडर विथ दिस वाटर। ये पानी के साथ चलने वाला डायरेक्ट गंदा पानी भी इसमें है, कटिंग का पानी भी है, तो ये ग्राइंडिंग और स्मूथिंग तक का काम कर सकता है। आप इसका पॉलिश का काम करना है तो आपको दूसरे बेल्ट और नंदे पे करना होगा, ये आपको स्मूथ तक का बेवलिंग स्ट्रेट करके देगा। और ये हैंड प्रोसेस से बेवलिंग सीधा करने वाला ऐसा कोई मशीन उपलब्ध नहीं है, ये फर्स्ट टाइम हमने आपके लिए बनाया जो CNC रेल पर पूरा निर्मित है और सिंगल मोटर पर कम पावर पे आप कहीं भी कम बिजली पे कम लागत पे ये पूरा काम स्पेशल वर्क 2 फुट तक का काम इसी मशीन पे कर सकते हो। और प्रोडक्शन लाइन का काम है, LED लाइट है, स्टॉक ग्लास है, स्विच है, टुकड़ी वर्क है या कोई डिजाइन वर्क है, वो सारा काम आप इसी मशीन पर डार पॉलिश बेवलिंग सीधी लाइन पे जो 15-20 lakh के मशीन करते हैं वैसे आप हाथ से कर सकते हैं। इसके बाद का काम आपको व्हील चेंज करके करना है और पॉलिश का काम बाहर करना है यानी दूसरे मशीन पे करना है, इसमें पॉलिश पाउडर नहीं डाला जाता इसलिए पॉलिश का काम नहीं होगा।
उसके बाद हम आपको व्हील चेंज करके नहीं बताएंगे, वो आप चेंज करके हाइन व्हील और स्मूथ व्हील से काम इससे बढ़िया होता है वो आप समझ सकते हैं। फिर हम आपको फिक्सचर वाला यानी ट्राइंगल से क्रिस्टल बेवल करने वाली चीज़ फिक्सचर के साथ बताएंगे, जो स्मॉल ग्लासेस टुकड़ी वर्क डिज़ाइन वर्क के लिए यूज होता है। आप देख सकते हैं कि ये 6 mm का ग्लास कंप्लीट बेवल हो गया। अब सेकंड व्हील थर्ड व्हील वो आप चेंज करके प्रोडक्शन में ले सकते हैं। ये एक ग्लास ऐसे 25 ग्लास का काम पहले कर लो, फिर बाकी का काम व्हील चेंज करके किया जाता है। ये क्रिस्टल वर्क स्मॉल ग्लास बेवलिंग हो रहा है, ये फिक्सर के साथ बेवल कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन के लिए ही आपको ये यूज करना है। कैन सी दिस इज बेवलिंग ऑन स्मॉल ग्लास क्रिस्टल वर्क विथ फिक्सचर स्पेशल शेप ग्लास बेवल विथ फिक्सचर। डिफरेंट एज डिफरेंट फिक्सचर। नाउ वी विल मेक ऑन ट्राइंगल शेप एज पर फिक्सचर यू हैव टू पुट ओनली ग्लास फर्स्ट सैंपल देन यू विल मेक प्रोडक्शन। एज पर योर रिक्वायर यू हैव टू मैच मशीन एंड बेवल सैंपल देन यू कैन डू वन बाय वन ग्लास फास्ट। क्रिस्टल वर्क ट्राइंगल शेप ग्लास मिरर 4 mm ग्लास यू कैन सी ऑन ट्राइंगल शेप ग्लास विथ पिक्चर वी बेवल सेम एज सेम साइज बेवल यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज। आप ये बेवलिंग कम ज़्यादा कर सकते हो, फिक्सर आपकी एज के हिसाब से बनाने होते हैं और मल्टीपल प्रोडक्शन के लिए है, बल्क प्रोडक्शन के लिए ऑल इन वन मशीन।